बढ़िए तू बेतरिए या मरिए देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला, वेलकम है आपका अपनी क्लास में। बेटा जैसे अभी तक का आपको पता है कि अभी तक के कांसेप्ट वीडियोस में हमने काफी सारे कांसेप्ट्स क्लियर कर लिए, जैसे कि हमने अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर किया, अकाउंटिंग की नीड्स क्लियर की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर की, आफ्टर देन एडवांटेजेस ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस हमने रीड कर। जो आगे की बेसिक टर्म्स थी जो हमने कल वीडियो में स्टार्ट की थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। उसके अंदर हमने दो तीन टॉपिक अपने क्लियर करे हैं जो मेन मेन थे, जैसे एक तो हमारा कैपिटल था, एक ड्राइंग था, एक हमारा एसेट था और एक हमारा लायबिलिटी था। ये वाले कांसेप्ट्स कल की वीडियो में हमने क्लियर किए हैं। जिन्होंने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले अपनी पिछली वीडियो देखे, आफ्टर देन ये वाले टॉपिक क्लियर करें, ठीक है। जो ये वाले टॉपिक्स थे उसके बाद की जो बेसिक टर्म्स हैं वो आज आपके लिए लेके आए हैं। थोड़ा सा पिछला डिस्कस करते हैं। कैपिटल का मतलब हमने पढ़ा था कि कोई बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, वो किस वे में कर रहा है, मतलब जैसे एसेट्स लगा रहा है या गुड्स लगा रहा है, कैश लगा रहा है, वो सभी किसके अंदर आएगी, हमारी कैपिटल के अंदर आएगी। कैपिटल का फॉर्मूला लिखा था हमने, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। वहां पे जो एसेट्स और लाइबिलिटी को डिफाइन किया आगे जाके हमने, एसेट्स की डेफिनेशन के अंदर हमने ये लिखा था कि जिसके बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं और जिन चीजों को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं नोन एज एसेट्स। एसेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स व्हिच वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिन चीजों को हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते, जैसे स्टॉक एग्जाम्पल दिया गया था आपको, हमारा कपड़े का बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में कपड़ा लेके आ रहे हैं, वो सेल पर्पस के लिए ला रहे हैं, रखने के लिए तो नहीं ला रहे, मतलब उस कपड़े को हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स कहलाएगा। नॉन करंट एसेट विच वी कांट कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो हमारी नॉन करंट एसेट्स होंगी। कैसे, जैसे हमारा कपड़े का बिजनेस है बट उस बिजनेस में हम कपड़ा ना लाके कस्टमर के बैठने के लिए बेंचेस और चेयर्स का इंतजाम कर रहे हैं तो वो बेंचेस और चेयर क्या है, हमारी नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है। नॉन करंट एसेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन टच एंड सी। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको छू भी सकते हैं, जैसे ये बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, देख भी पा रहे हैं और छू भी पा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कांट टच एंड सी, ना तो जिसको देखा जा सकता और ना ही जिसको छुआ जा सकता, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें क्या है, हमारी इनटेंजिबल है, मतलब इनको देखा नहीं जा सकता बट महसूस किया जा सकता है। तो वो चीजें जिसको ना तो देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता वो क्या कहलाएंगी, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। एक हमने पढ़ा था लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की हिंदी बताई थी आपको देनदारियां, मतलब ऐसा तो है नहीं कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो वो बिजनेस है हमने सारे का सारा अपना पैसा लगा के स्टार्ट कर दिया, चलो अपना पैसा लगा के भी स्टार्ट कर दिया लेकिन जो उसके अंदर स्टॉक लेके आ रहे हैं सेल पर्पस के लिए वो सारे का सारा कैश में लेके आ लूं, ऐसा तो नहीं है। तो कहता है कि जब आपको मार्केट से उधार लेना पड़ता है तो वो क्या बन जाती है, हमारी लाइबिलिटीज बन जाती है, मतलब हमारी देनदारियां बन जाती है। तो कहता है कि जो देनदारियां हैं हमारी, मतलब जो लाइबिलिटीज हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करंट लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है हमारी, जो हमें बिजनेस के अंदर ही पे करनी होती है, जैसे सैलरीज पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, वो इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल
जो हमने बाहर मार्केट से लोन ले रखा था, बैंक से लोन ले रखा था, उसको रिटर्न करना है, वो हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। ऐसे ही लायबिलिटी को भी पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो वो लायबिलिटी होगी जिसको हमें एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, मतलब जो शॉर्ट पीरियड के अंदर पेमेंट करनी होती है, वो हमारी करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम एक साल के बाद पे कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए जो होती है, वो हमारी किसमें आ जाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक है, एक हमने पढ़ा था ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मीनिंग हमने क्या रीड किया था, ड्रॉइंग का मतलब हमने पढ़ा था अगर बिजनेस का मालिक, बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल करता है, जैसे कैश विड्रॉल करता है या गुड्स विड्रॉल करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग बोला जाएगा। मतलब जो मेन मोटिव है वो क्या है, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या है कि जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस का मालिक है, वो बिजनेस में से क्या कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग बोला। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक्स हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। देखो बच्चों, जो आगे का टॉपिक है हमारा वो मेन ये है, जैसे हमने एसेट्स के पार्ट्स पढ़े थे, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। एक एसेट होती है हमारी फिक्स्टिशियस, या फिर इसको बोला जाता है नॉमिनल एसेट्स। क्या एसेट है, फिक्स्टिशियस एसेट और या फिर नॉमिनल एसेट, ये होती क्या है, क्या मतलब है इसका, है तो पार्ट एसेट का ही। जैसे करंट एसेट का मतलब क्या था, जिन चीजों को हम सेल पर्पस के लिए ला लिया है वो करंट एसेट, तो कहते हैं फिक्स्टिशियस एसेट्स क्या, जिन चीजों को कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएंगे, हमारी फिक्स्टिशियस एसेट। वो कौन सी एसेट है, देखो डेफिनेशन में क्या लिखता है, These are the assets which we can't be released in the cash or no further benefits can be derived from these assets. कहता है उन assets से ना तो कोई further benefit मिलेगा, मतलब आगे आने वाले years में कोई benefit नहीं मिलेगा, और these assets which cannot be released in cash, और ना ही उसको क्या कर सकते, cash में convert कर सकते। फिर ऐसी कौन सी asset है, सोचिए अपने माइंड में, जैसे बोलता है कि कोई हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया, उस एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल आएगा बच्चे, डेफिनेशन आएगी एक इससे रिलेटेड, जैसे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने खर्चा किया, तो क्या उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें एक साल ही मिलेगा। जैसे मैंने 4 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिए, तो क्या वो 4 लाख का बेनिफिट मुझे एक साल मिलेगा, सोचिए, नहीं, उस बेनिफिट को मैं कई ईयर तक क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया, तो उस एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से मेरी कई सालों की जो सेल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो बेनिफिट जितने साल मुझे मिलेंगे, क्या मैं उन चीजों को तो कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकता ना, जो मेरे एक्सपेंस हुए थे। जैसे मेरा 4 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ था और 4 साल मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा था, तो 1 साल का खर्चा कितना मान लिया मैंने, 1 लाख रुपए मान लिया। तो ये जो 1 लाख रुपए हैं, आगे आने वाले साल में तो कैश में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हम इसको, क्यों, क्योंकि एक बार पेमेंट हो चुकी है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो पिछला बैलेंस है वो चलता आ रहा है हमारे पास, उसको भी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन चीजों को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कहता है कि इन चीजों का बेनिफिट हमें आगे आने वाले सालों में मिल सकता है, कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फिक्स्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिन चीजों को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नोन एज फिक्स्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। क्लियर है। उसके बाद लिखता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। सबसे पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए रिसिप्ट का, कि रिसिप्ट होता क्या है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट, कि सबसे पहले हमें मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा किसका, रिसिप्ट का।
रिसिप्ट की हिंदी लिखी अपनी नोटबुक में फटाफट। रिसिप्ट की हिंदी होती है प्राप्तियां, मतलब हमने जो जो प्राप्त किया तो वो होता है मिली। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें बेनिफिट हो रहा है कुछ ना कुछ का, लेकिन वो जो बेनिफिट है वो टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, कैपिटल बेनिफिट और रिवेन्यू बेनिफिट। रिसिप्ट की हिंदी होती है प्राप्तियां, मतलब बेनिफिट टू टाइप्स के हो गए, कैपिटल और रिवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो होता है हमारा कि वो चीजें जो हम कभी कभार प्राप्त करते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं करते, कभी कभार प्राप्त करते हैं, वो क्या बन जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगी हमारी। और रिवेन्यू रिसिप्ट जो हमारी डेली रूटीन में हम ले रहे हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट को अगर एग्जांपल के साथ समझना होगा तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमने अपना घर सेल कर दिया, जैसे हमने अपना घर सेल कर दिया, घर तो चला गया लेकिन घर के बदले हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो क्या हम अपना घर डेली रूटीन बेसिस पर बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। कभी कभार बेचेंगे तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा। रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट होता है डेली रूटीन बेसिस पर, हम कहीं पर काम कर रहे थे और वहां से हमें इनकम मिल रही है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, सैलरी रिसीव कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। ये तो डेली रूटीन बेसिस का फिक्स है कि हमें मिलना ही मिलना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट। डेफिनेशन में क्या लिखता है देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोट कीजिए, जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो कहां पर शो किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, पिछली वीडियोस में हम आपको बता के आए थे कि जो एक अकाउंटिंग साइकिल चलती है उस साइकिल के अंदर एक अकाउंट जो लास्ट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कौन बताता है हमें, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बताता है। मतलब जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शो करता है, नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पूरा चैप्टर है बच्चे इसके ऊपर हमारा, वहीं पर डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में जो हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताता है वो क्या बताता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। ठीक है, तो कहता है जो रिवेन्यू रिसिप्ट है उन चीजों को कहां पर शो किया जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्लियर हो गया यहां से कि जो डेली रूटीन्स के इनकम होंगे, जो डेली रूटीन्स के एक्सपेंडिचर होंगे, उनको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। नोट कर लो नोटबुक पर साथ ही साथ नोट्स में कि जो हमारी डेली रूटीन्स की इनकम है उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे। फिर कहता है कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट शोन इन द बैलेंस शीट आइदर एज इंक्रीज इन द लायबिलिटी और एज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कहता है कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में शो होंगी, या तो वो लायबिलिटी को बढ़ा रही होंगी या वो एसेट्स को क्या कर रही होंगी, कम कर रही होंगी। तो फटाफट अपने नोट्स में ये चीज लिखिए कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो तो कहां पर शो होगी, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है वो कहां पर शो होगी, बैलेंस शीट में। कहां शो होगी, बैलेंस शीट में शो होगी। क्लियर है, तो उसके बाद कहता है कि जो कैपिटल रिसिप्ट है वो हमारी लायबिलिटी को कैसे बढ़ाता है या हमारी एसेट्स को कैसे घटाता है। जैसे हमने मार्केट से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, क्या वो हम लोन हर रोज लेंगे, नहीं, जब नीड होगी कभी कभार लेंगे, जब जरूरत पड़ने पर लिया जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है लोन लिया, पैसा क्या किया आपने, प्राप्त किया, तो वो क्या होगी, कैपिटल नेचर होगी। तो कैपिटल नेचर का लोन है, लोन लिया तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी वापिस, ऐसे तो है नहीं अपने पास रखोगे और बाद में कह दोगे मैं पे नहीं करूंगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो पेमेंट करनी पड़ रही है तो हमारी क्या है, देनदारी, मतलब हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब इंक्रीज हो रही है,
जब आपने मार्केट से लोन लिया, मतलब कैपिटल रिसीप्ट ली। एसेट्स को कैसे कम करता है, आपने घर को बेचा, वो घर क्या थी आपकी, एसेट थी, घर चला गया तो एसेट्स में क्या कर देता है, डिक्रीमेंट ला देता है, मतलब कमी ला देता है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो कैपिटल रिसीप्ट होती है वो कभी कभी होती है और कभी कभी होने वाली प्राप्तियों को बैलेंस शीट में शो किया जाता है, और जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है वो रेगुलर इनकम होती है। रेगुलर इनकम मतलब डेली रूटीन्स की है, इसीलिए उनको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट तो पढ़ा, उसी का अपोजिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो हम कभी कभार करते हैं, रिसिप्ट मतलब प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, वो खर्चे जो हम कभी कभार करते हैं वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। वो खर्चे जो हम कभी कभी करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो हम डेली रूटीन बेसिस पर करते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं जो हम कभी कभी करते हैं, प्राप्तियों में हमने अपने घर को बेचा था, एक्सपेंडिचर में अपने घर को खरीद लो। जो आप घर खरीदोगे क्या वो आप रोज खरीदोगे, रोज नया घर खरीद कर नए घर में रहने जाओगे, नहीं, एक ही बार घर खरीदोगे और कई सालों तक उसको क्या करते रहोगे, यूज करते रहोगे, तो ये क्या हो गया हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो हमारे डेली रूटीन बेसिस पर हो रहे हैं, जैसे उनका यूज तो हम कर चुके हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉइज हमारे पास काम कर रहे थे, हमने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने घर खरीदा तो आपकी इंक्रीज हो रही है एसेट, घर खरीदा। Revenue expenditure, any expenditure the full benefit of which is receiving the during the one accounting year. कि जिसका benefit हमें मिल चुका है और उस benefit के बदले हमें क्या करनी पड़ रही है, payment करनी पड़ रही है। जैसे हमारे employees, हमारी labor हमारे पास काम कर रही थी, उस labor को हमें payment करनी पड़ रही है, तो वो क्या है हमारा, revenue expenditure। ठीक है, difference कर लोगे, capital receipt तो जो कभी कभार प्राप्त करते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट जो डेली रूटीन पे प्राप्त करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी खर्च करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली रूटीन पर खर्च करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, कैपिटल रिसिप्ट में तो हम अपनी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर में हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और रिसिप्ट में हमारी एसेट्स की वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है, और एक्सपेंडिचर में हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इस तरह से क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंस बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारे आगे न्यूमेरिकल पोर्शंस आएंगे उसके अंदर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो कभी कभी होते हैं वो कैपिटल नेचर होती है, जो डेली रूटीन पर होते हैं वो रिवेन्यू नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद लिखता है एक खर्चा है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का अगर एक प्रॉपर एग्जांपल देना चाहे तो वो दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। कैसे, डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो होते तो खर्चे हैं लेकिन उनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहता है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स होते तो खर्चे हैं, दिखने में तो हमें रिवेन्यू नेचर के लगेंगे लेकिन होते नहीं, वो खर्चे होते नहीं, फिर क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स हमें कई सालों तक मिलते हैं, इसीलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अभी फर्स्ट में ही आपको एग्जांपल दिया था कि हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 4 लाख रुपए खर्च किए, एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे हमारी सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों में मिलता है, तो जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है उसका एग्जांपल हो गया एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजमेंट, हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया, उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, उससे हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी। सेल मान लो हमें 4 सालों तक उसका बेनिफिट मिल रहा है, मतलब 4 साल तक हमारी सेल इंक्रीज हो रही है, तो 1 साल का खर्चा कितना माना जाएगा, 1 लाख रुपए खर्चा माना जाएगा। ठीक है, 1 साल का कितना खर्चा माना जाएगा, 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख को 4 सालों में डिवाइड कर दिया, मतलब 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो 4 सालों के खर्चों में डिवाइड कर दिया। 1 साल का खर्चा नहीं हुआ 4 लाख रुपए, वो कितने सालों में डिवाइड कर दिया, 4 सालों में डिवाइड। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम हम मंथली ईयरली पे कर रहे हैं एनुअली, लेकिन उसका बेनिफिट आगे आने वाले सालों में मिलेगा, तो वो क्या होएगा, हमारा डेफर्ड एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, सिर्फ इतना मीनिंग क्लियर करना है कि वो खर्चे जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले सालों में मिलता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने 4 लाख रुपए खर्च किए और उसका बेनिफिट हमें 4 साल तक मिल रहा है, तो 1 साल का खर्चा कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। तो 4 लाख को 4 सालों में डिवाइड कर दिया, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद पढ़ता है, लिखता है क्या, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, इन्वेंट्री। ये तो हमारे डेली रूटीन के वर्ड्स हैं। जैसे परचेज कहता है, आप अपने बिजनेस में सामान लेके आ रहे हो, वो किस वे में ला रहे हो, सेल पर्पस के लिए ला रहे हो, तो आप उसको गुड्स के नाम से शो नहीं करोगे, किस नाम से शो करोगे, परचेज के नाम से शो करोगे। कब, जब आप अपने बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए गुड्स ला रहे हो तो उसको किस नाम से शो करोगे, परचेज। खरीदा हुआ माल जब वापिस कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, परचेज रिटर्न बोला जाता है। सेल, सेल मतलब जब आप अपने बिजनेस में से गुड्स को सेल कर रहे हो वो क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी, और बेचा हुआ माल जब वापिस आ जाता है तो वो क्या बन जाएगी, सेल रिटर्न बन जाएगी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब एक अगर आसान लैंग्वेज में बोलना चाहे तो इन्वेंट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही वर्ड है, बट इन्वेंट्री वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमारी जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, मतलब वो बन रही है, फैक्ट्री में है, वो किस में आ जाएगी, इन्वेंट्री में आ जाएगी। जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये सभी क्या है, हमारी इन्वेंट्री में, मतलब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है वो कहां पर आएगी, इन्वेंट्री। ठीक है, आज का ये टॉपिक हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा फिक्स्टिशियस एसेट्स, जिन चीजों को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या है, हमारी फिक्स्टिशियस एसेट्स। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि वो प्राप्तियां जो हम कभी कभार करते हैं, जैसे अपने घर को बेचा और जो पैसा आ रहा है कभी कभार आएगा, डेली रूटीन पर अपने घर को नहीं बेचा जाएगा। रिवेन्यू रिसिप्ट जो हम डेली रूटीन बेसिस पर इनकम प्राप्त कर रहे हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट, जैसे सैलरी रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना। और उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की वजह से हमारी एसेट्स बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? जैसे हमने पैसा दिया और घर खरीदा, घर खरीदा, एसेट तो बढ़ गई लेकिन कभी कभार खरीदोगे तो इसीलिए वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट जो डेली रूटीन बेसिस पर हो रही है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डेली रूटीन पर खर्चे हो रहे हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों में मिलता है, वो क्या कहलाएंगे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया गया तो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हमने पढ़ा परचेज, परचेज रिटर्न। परचेज मतलब जब हम अपने गुड्स में सामान लेके, अपने बिजनेस में सामान लेके आ रहे हैं रीसेल पर्पस के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, परचेज बोला जाएगा। परचेज रिटर्न जब खरीदा हुआ माल वापस कर दिया जाता है उसको परचेज रिटर्न बोला जाता है। सेल अपने बिजनेस में से सामान को बेचना वो सेल कहलाता है, और वो बेचा हुआ माल जब वापिस आ जाता है वो सेल रिटर्न बन जाता है।
इन्वेंट्री जब गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जा रहा है वो क्या बन जाएगी, मतलब जो स्टॉक है हमारा वो अभी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है तो वो किसमें आ जाएगा हमारा, इन्वेंट्री में। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही है बच्चे, नोट करना और यहाँ तक रिवाइज कर लेना। ये जो बेसिक टर्म्स है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकाउंट्स का बेस है ये, नाम भी क्या है बेसिक टर्म्स, मतलब आगे आने वाली चीजों का बेस है आपका, हर एक जगह पर ये नाम यूज होंगे। अब नहीं याद करोगे बाद में पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले ही पढ़ के रख, बाद में भी आएंगी ये चीजें हमारी लेकिन वहां पर सिर्फ नाम आएंगे, अभी तो डेफिनेशंस बताई जा रही है आपको, आगे सिर्फ नाम आएंगे। और आपके लिए इस तरह से लैंग्वेज लिखी जाती है शॉर्ट फॉर्म में जिससे आपको पढ़ते ही चीजों को समझ आ जाए कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपना अच्छे से पढ़ो घर पर बैठ के, अब तो लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया और तो कोई सोच नहीं है, पहले तो सोच रहे थे भाई क्या पता ओपन हो जाए स्कूल्स वगैरह, बट नहीं है, घर पर बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, बाहर नहीं जा सकते, अंदर तो जा सकते हैं, अंदर जाने का मतलब अपने आप को पहचानो कि हम इस टाइम में क्या कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, तो अपना ध्यान रखो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। क्लियर है, तो यहीं तक था हमारा लेक्चर, जिन्होंने अभी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो पिछले लेक्चर्स देखिए और अपनी स्टडी को क्लियर कीजिए, कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए या कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके बाय, थैंक यू।